हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सुनने। आज हम रिप की ट्रेवल शूटिंग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपो मुंबई राउटर पे कनेक्ट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे शो आईपी रूट करके कमांड एंटर करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ राउटिंग की टेबल तो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जिसमें से आर रिप्रेजेंट करता है आपका रिप प्रोटोकॉल। वो रिप वर्जन 1 हो या रिप वर्जन 2 है, डिपेंड्स। सो शो आईपी प्रोटोकॉल करके आप चेक कर सकते हो कि फिलहाल जो मेरा रिप का वर्जन है वो वर्जन 2 पे कॉन्फ़िगर है। सेम यही कमांड अगर मैं किसी और राउटर पे रन करके देखूं तो वहाँ पे भी मुझे कुछ स्टेटस नज़र आएगा। तो चलिए मैं यही से मैं रन करूँगा अपने कल्याण राउटर के ऊपर। कल्याण राउटर पे आने के बाद भी अगर यहाँ पर मैं शो आईपी रूट करके करता हूँ सो आई हैव गेट सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माई राउटिंग टेबल। अब मुझे शो आईपी प्रोटोकॉल करके चेक करना है। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि हर 30 सेकंड्स के बाद यहाँ पे कुछ अपडेट्स होते हैं। तो अपडेट्स होते क्या है, देखिए सबसे पहले रिप या फिर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल को जब डिज़ाइन किए गए थे तो वो कहते थे कि आपको सिर्फ अपने ही नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन बतानी है, जो कि आपके खुद के कनेक्ट नेटवर्क है उनकी इन्फॉर्मेशन आप बाकियों को बताएं। अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन वो अपने आप को दूसरे नेटवर्क्स के राउटर्स अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने नेटवर्क की मतलब खुद के कनेक्टेड नेटवर्क की जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो हर 30 बाद हर राउटर एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे कहते हैं रिप के अपडेट पैकेट्स। तो अब इस रिप के अपडेट पैकेट के साथ हमें ट्रबल शूटिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल दिखाऊंगा, बाद में मैं कमांड लाइन पर उस किस तरह से ट्रेस आउट करते वो हम देखेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस सिनेरियो में प्रॉपरली रिप वर्जन 2 काम कर रहा है, चाहे वो वर्जन हो या वर्जन 2 कोई बात नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, सिमुलेशन इन्वायरमेंट में जाने के बाद यहाँ पे एडिट फिल्टर पे अनटिक कीजिए सभी पॉइंट्स को और यहाँ पे आपको चूज़ करना है रिप। तो मेरा रिप ये रहा, तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल इस कर लेते हैं। एंड जस्ट इस यहाँ पे थाने के राउटर ने कुछ राउटिंग पैकेट्स क्रिएट किए और उसे वो बायपास कर रहा है। सेम वे पुणे के राउटर ने भी कुछ राउटिंग पैकेट ट्रांसफ़र किए और उसे बायपास किया जाता है लोकल नेटवर्क की तरफ। सैन ने भी कुछ राउटिंग पैकेट्स ट्रांसफ़र किए अपने लोकल नेटवर्क तरफ और साथ ही साथ अलग नहीं। इसे हम थोड़ा सा स्लो करेंगे ताकि हम उस पैकेट को ओपन करके देख सके उसके अंदर अवेलेबल क्या है। तो इसकी मैंने स्पीड थोड़ी सी कम कर दी। एंड अगेन ऑटो प्ले। सो अब देखते हैं किसने क्रिएट किया है, यस मुंबई राउटर। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर पैकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये पैकेट पे क्लिक करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, ओके, देन थाने के राउटर ने जनरेट किया है ये पैकेट रिवर्जन 2 का, क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए उसके पास जितने भी अवेलेबल नेटवर्क से वर्जन 2 वो सभी के सभी इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपने नेक्स्ट राउटर की तरफ। नाउ एक ऑब्जर्व कीजिए इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जब भी राउटर राउटिंग पैकेट क्रिएट करते हैं ना, मतलब अपडेट पैकेट, वो सिर्फ राउटर टू राउटर समझ में आते हैं, बराबर। मतलब वो पैकेट सिर्फ रिप के पैकेट राउटर टू राउटर के नेटवर्क के बारे में, उसको किसी भी तरह का लोकल नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो जो पर्टिकुलर पैकेट रिप के बन रहे वो लोकल नेटवर्क पे भी ट्रांसफ़र हो रहे, जो स्विच के पास जाने के बाद सर्राबी को स्विच ब्रॉडकास्टिंग डोमेन बढ़ाता है। इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे लोकल नेटवर्क का ट्रैफिक बढ़ रहा है, अनवांटेड पैकेट्स यहाँ पे आ रहे जो कि रिप के पैकेट से जिन्हें सिर्फ राउटर ही समझता है। तो हमें इन पर्टिकुलर लोकल नेटवर्क पे या किसी भी इंटरफेस पे जाएं तो इसके लिए हमें एक कमांड रन करनी है, पैसिव इंटरफेस, ओके। तो इसे हमने बंद कर दिया। चलिए इस पर्टिकुलर कमांड को मैं मुंबई राउटर पे शुरू करता हूँ, शो आईपी प्रोटोकॉल। सुनाओ अब देखिए फिलहाल समरी इज इन इफेक्टिंग है, मैं चाहूँ तो इसे बंद भी कर सकता हूँ। साथ ही साथ पैसिव इंटरफेस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ना। वैसे पैसिव इंटरफेस क्या करेगा, पैसिव इंटरफेस आपके उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे अपडेट सेंड नहीं करता, ओके, या फिर हम कह सकते हैं उसे प्रोपोगेट नहीं करता। मतलब भले ही हमारा मुंबई का फास्ट इथरनेट 0/0/0/1 ये कनेक्टेड है, तो जब रिप के पैकेट बनते हैं ना वो सिर्फ सुनेगा लेकिन उसे बायपास नहीं करेगा, मतलब वो स्विच की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करेगा। इसे कहते हैं सप्रेस करना या फिर उसके प्रोपोगेशन को रोकना। इन अनदर टर्म्स वी आर गोइंग टू सप्रेस द पैकेट टूवर्ड्स दैट इंटरफेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे राउटर रिप
पे जाना पड़ेगा। राउटर रिप पे आने के बाद आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी होगी पैसिव इंटरफेस, और उसके बाद में जिस पर्टिकुलर इंटरफेस पे उसे आप सप्रेस करना चाहते हो ना, बस उस इंटरफेस का आप नाम दे दीजिए। तो मैं चाहता हूँ फास्ट ईथरनेट 0/1 पे सप्रेस किया जाए, साथ ही साथ फास्ट ईथरनेट 0/0 को भी सप्रेस किया जाए। एक्स्ट्रा मैं चाहूँ तो यहाँ पे नो ऑटो समरी करके भी उसकी ऑटो समराइजेशन बंद कर सकता हूँ। सो आई शो आईपी प्रोटोकॉल करके, नाउ अब देखें मेरे वहाँ पे नो ऑटो समरी करके कमांड टाइप की थी, तो मेरा समराइजेशन ऑफ हो चुका है। साथ ही साथ पैसिव इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और पैसिव इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, मतलब इन दोनों ही पोर्ट के ऊपर हमने वो पैकेट को सप्रेस करके रखे है, मतलब वो प्रोपोगेट नहीं करेगा। सेम टास्क में और दो राउटर पे परफॉर्म करने वाला हूँ। सो क्विकली थाना राउटर पे गए, एनेबल शो आईपी प्रोटोकॉल करके हम चेक कर लेते। नाउ यू कैन सी यहाँ पे किसी भी तरह का सप्रेशन किया गया नहीं है, और बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी मैंने बंद करके ही रखी थी। सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आपको यहाँ पे राउटर रिप पे आने के बाद सिर्फ पैस शो आईपी प्रोटोकॉल, यस दो सप्रेस हो चुके हैं। एंड हम यहाँ पे चलिए नासिक के राउटर पे भी करके देखेंगे, शो आईपी प्रोटोकॉल किसी तरह का सप्रेशन नहीं है। सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गए, राउटर रिप पैसिव फास्टर 0/0 एंड पैसिव फास्टर 0/1, कंट्रोल जेड शो आईपी प्रोटोकॉल। यू कैन सी दो पर्टिकुलर पोर्ट को हमने सप्रेस करके रखा है। नाउ अभी के लिए हमारे इस डायग्राम के अंदर मुंबई एंड थाना नासिक सिर्फ इन्हीं तीन ही राउटर्स के ऊपर इसको ऑन किया है। कल्याण की अगर हम रिप के पैकेट जनरेट करते हैं तो वो पर्टिकुलर पैकेट जो कोई भी बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे थाना ने बनाए, थाना सिर्फ और सिर्फ अपने बाजू वाले राउटर्स की तरफ ही वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा, लोकली उस पर्टिकुलर पोर्ट पे वो ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहा है। ओके सुना, अभी देखिए कल्याण पे हमने किसी तरह का सप्रेशन किया था, नहीं किया था। सो जब वो पैकेट बने तो यू कैन सी वो पैकेट लोकल नेटवर्क पे भी ट्रांसफ़र हो रहे, जबकि बाय नेचर और बाय फीचर स्विच क्या करेगा, उसे सब जगह पे ब्रॉडकास्ट करेगा। क्लियर? नाउ नासिक भी हमने किया था, यस। तो नासिक सिर्फ और सिर्फ राउटर टू राउटर ही सेंड कर रहा है, लोकल पे सेंड नहीं कर रहा है। तो मैं चाहूँ तो सेम कमांड अपने कल्याण राउटर पे कर सकता हूँ और मेरे पुणे राउटर पे भी, क्योंकि हमने पुणे पे भी उसे सप्रेस नहीं किया था। सो अगेन पुणे ने भी लोकल नेटवर्क की तरफ वो ट्रांसफ़र कर दिया है। सो क्विकली हम उसे परफॉर्म कर लेते हैं। मैं पुणे राउटर पे गया, यहाँ पे एनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर रिप पैसिव इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड पैसिव इंटरफेस 0/1, दोनों ही इंटरफेस पे हमने सप्रेस कर दिया। शो आईपी प्रोटोकॉल, यस। जब आप एक कमांड रन करोगे ना पैसिव इंटरफेस की, तो मेक श्योर आप इस इम्पॉर्टेंट है या नहीं वो कीजिए। फिलहाल मेरे पास फास्ट ईथरनेट के पोर्ट जो है वो रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैंने गलती से उन्हें सीरियल पे ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, वो पोर्ट के लिए रन के नहीं, वो आपको फिक्स आउट करना जरूर। अगर मुझे अपने कमांड लाइन के थ्रू चाहिए तो यहाँ पे मैं यहाँ डीबग करके कमांड रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कल्याण राउटर पे आ चुका हूँ, राउटर पे शो आईपी प्रोटोकॉल करके मैंने चेक किया। देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का पैसिव इंटरफेस ऑन नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे राउटिंग के कुछ अपडेट ट्रांसफ़र होंगे। सो शो आईपी डीबग, या फिर माफ़ कीजिए डीबग आईपी रिप, ये वो कमांड है। सो डीबग आईपी रिप इवेंट एंटर देने पे आपके उस नेटवर्क के अंदर जो डिबगिंग है, मतलब पैकेज जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। इसे हम थोड़ी देर चलने देंगे आफ्टर इट कंप्लीट। तो अगर आपको डिबग को बंद करने के लिए अनडीबग करके एक कमांड है, सो देखिए जैसे मैंने अनडीबग ऑल कमांड रन की, ऑल पॉसिबल डिबग हैज़ बीन टर्न ऑफ करके मैसेज आ गया। सुनो देखिए डिबग ये जो काफ़ी प्रोसेसर का, इसका मतलब अगर किसी नेटवर्क या किसी राउटर पे आपने डीबग के कमांड रन की तो क्या होगा, जितने भी नेटवर्क का ट्रैफिक है ना वो अपनी तरफ खींच लेता है। ओके सो मेक श्योर जब आप डीबग कमांड रन करोगे तो आप
कि उस नेटवर्क में कुछ हैवी ट्रैफिक आपको नेटवर्क से रिलेटेड थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। जब तक ये डीबग कमांड चल रही है सभी के सभी पैकेट इसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, इन शॉर्ट ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो डीबग आईपी रिप इवेंट से हमने उसे ऑन किया और डीबग अनडीबग ऑल इस कमांड से हमने ऑल पॉसिबल डीबग्स को बंद करके रखा है। तो अब हमें उन पर्टिकुलर डीबग को नेविगेट करके या फिर इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। सबसे पहले उसने क्या किया, सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट सेंड किए। कहाँ पे सेंड किए, 224.0.0.9। ये जो नज़र आ रहा है ये आपका डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, माफ़ कीजिए डिफ़ॉल्ट मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। रिप वर्जन 224.0.0.9 इस पर्टिकुलर आईपी पे मल्टीकास्ट करवाता है। रिप वर्जन 1 जो है वो 255.255.255.255 जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्टिंग हो ना वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करवाता है। और ये पर्टिकुलर पैकेट उसने ट्रांसफ़र किया फास्ट इथरनेट 0/0 की तरफ। उप्स, बट इन यू कैन सी फास्ट इथरनेट 0/0 ये मेरा खुद का कनेक्टेड है, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर पैकेट स्विच के पास जाएगा, स्विच उसे अननेसेसरी सब जगह पे ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ा रहा है। इज दैट क्लियर? और ये रही राउटिंग की इन्फॉर्मेशन, वो कह रहा है कि उसके पास 8, 9, 10, 12 ये सब नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, और मैट्रिक्स इन द सेंस वो उससे कितने होप्स दूर है, तो कुछ 2 होप्स दूर से, कुछ 1 होप दूर है और कुछ 3 होप दूर से। सो हमने पढ़ा है थ्योरी में कि मैट्रिक्स रिप का जो होता है वो है होप काउंट, तो यहाँ पे मैट्रिक्स 3 होप दूर है ना। उसने और एक पैकेट जनरेट किया, उसको भी उसने सेंड किया। कहाँ पे सेंड किया, अगेन मल्टीकास्ट एड्रेस की मदद से उसने फास्ट इथरनेट 0/1 को भी सेंड किया है और उसका वो इंटरफेस। देन उसने और एक पैकेट बनाया, इसको भी उसने सेंड किया सीरियल 0/0 के लिए, जो कि चाहिए मुझे बिकॉज राउटर कनेक्टेड है वहाँ पे। सीरियल 1/0/1 पे भी मेरा राउटर कनेक्टेड है। देन रिसीव क्या किया उसने, उसने रिसीव किया वर्जन 2 के अपडेट्स। मतलब जिस तरह से वो पैकेट सेंड कर रहा है ना उसी तरह से उसे भी कुछ पैकेट्स तो मिलेंगे। मतलब मान लीजिए हमारे इस पर्टिकुलर डीबगिंग के अंदर हमें जो पैकेट मिला है वो सीरियल 0/0 से मिला है, जिसका आईपी नज़र आ रहा है 172.255.192.6। मतलब देखा जाए तो ये रहा, हमारे नासिक के राउटर ने इस पर्टिकुलर कल्याण के राउटर के लिए कुछ पैकेट सेंड किए, मतलब अपडेट सेंड किए। नज़र आ रहा है ये 6 से सीरियल 0/0 पे से क्या सेंड करा है, उसने उसके नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन दी और वो उससे कितने होप्स दूर है इसके बारे में जानकारी। क्लियर? तो जैसे हमने यहाँ पे एक कमर रन की थी, कमर रन क्या थी, डीबग आईपी रिप इवेंट्स, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि यार मेरे फास्ट इथरनेट 0/01 और 0/0 के लिए पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे, अब मुझे इन पैकेट को बंद करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाने के बाद राउटर रिप, यहाँ पे आप पैसिव 0/0 पे ऑन कीजिए, 0/1 पे भी ऑन कीजिए, एंड इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन रन। तब होगा क्या, जितने भी पैकेट्स वो बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके पोर्ट्स पे ट्रांसफ़र करेगा, 0/1, 0/0 पे ट्रांसफ़र नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने उसे सप्रेस करके रखा है। सो चलिए इसे थोड़ी देर चलने देते हैं। अगर आपको इसको स्टॉप करना रहा तो आप यहाँ पे सिर्फ कौन सी कमांड रन करोगे, अनडीबग ऑल, तो पॉसिबल डीबगिंग एंड स्टॉप। नाउ लेट्स सी, अब जब हमने ये कमांड रन की आफ्टर द डूइंग पैसिव इंटरफेस सप्रेस करने के बाद, तो उसने सेंड किए, क्या सेंड किए, वर्जन 2 अपडेट्स किसे सेंड किए, ऑफकोर्स मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ किया और सीरियल 0/0 को सेंड किया, अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे राउटर कनेक्टेड है मेरा। देन उसने फिर से सेंड किए, कहाँ पे किए, सीरियल 0/1। सो अकॉर्डिंग टू योर सीनेरियो राउटर का ये सीरियल 0/1 और ये सीरियल 0/0 सिर्फ राउटर टू राउटर ही सेंड कर रहा है। देन उसे रिसीव हुआ, अगेन सीरियल 0/0 से रिसीव हुआ, किसने सेंड किया उसका आईपी, किसने लेफ्ट से सेंड किया राइट से सेंड किया, तो यहाँ पे देखो 192.6 से एक इन्फॉर्मेशन आई है और 192.9 से भी एक इन्फॉर्मेशन आई है। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो 9 मतलब ठाणे के राउटर ने भी उसे कुछ पैकेट दिए हैं और नासिक के राउटर ने उसे कुछ अपडेट्स दिए हैं, जो होंगे आपके राउटिंग या फिर नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस।
इस तरह से हमने रिप के प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लिया है। इसे हम चाहे तो कॉपी, रनिंग टू, स्टार्टअप करके इन सभी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली सेव करके रख सकते हैं। तो ना अब तक हमने क्या किया, हमने DVRP का जो RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन 2 है इन दोनों के साथ कॉन्फ़िगरेशन किया। इसके साथ हमने ट्रबल शूटिंग की, ऑटो समरी को किस तरह से बंद करते हैं, वर्जन को किस तरह से चेंज करते हैं, पैसिव इंटरफेस का मतलब क्या होता है, किस तरह से कमांड लाइन के थ्रू डीबग कमांड से हम अपने पैकेट को ऑन कर सकते हो और किस तरह से उसे बंद किया जाए। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से हम पैकेट ट्रेसर की मदद से पैकेट को ट्रेस आउट कर सकते कि वो कैसे जा रहा है। आने वाले वीडियो में हमें हाइब्रिड प्रोटोकॉल मतलब आपके एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में जानना है, जो कि आपके सिस्को का प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल है, और इसमें से हम देखेंगे EIGRP जो हमारे वर्जन 4 को प्रिफर करता है। तब तक के लिए मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनरे। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।